आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बीते दिसंबर महीने में अमेरिका में सोयाबीन की पेराई में तेजी आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले नवीनतम पूर्वानुमान से पूर्व 9 विश्लेषकों के बीच कराए गए एक नवीनतम सर्वे के निष्कर्ष के अनुसार गत दिसंबर में अमेरिका में सोयाबीन की पेराई 19.77 करोड़ बुशल होने की संभावना है। विश्लेषकों ने इस प्रमुख तिलहन की 19.73 करोड़ बुशल से लेकर 19.84 करोड़ बुशल सोयाबीन की पेराई का अनुमान जताया है। इसका औसत पेराई अनुमान 19.75 करोड़ बुशल है। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा जल्द ही अपने नवीनतम पेराई अनुमान जारी करने वाला है। यदि वास्तविक पेराई इस अनुमानित स्तर के अनुरूप होती है तो यह गत नवंबर महीने में हुई 19.05 करोड़ बुशल पेराई की तुलना में ऊंची होगी तथा यह दिसंबर 2020 में हुई 19.31 करोड़ बुशल की तुलना में भी अधिक ही होगी। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2021 में हुई इससे पूर्व रिकॉर्ड 19.69 करोड़ बुशल पेराई की तुलना में भी सोयाबीन की पेराई का नवीनतम अनुमान ऊंचा होगा। 6 विश्लेषकों के बीच कराए गए एक सर्वे के निष्कर्ष में कहा गया है कि दिसंबर 2021 के अंत में अमेरिकी सोया तेल का स्टॉक 2.565 अरब पाउंड बचने का अनुमान है। इसकी तुलना में नवंबर 2021 के अंत में इसका 2.415 अरब पाउंड तथा दिसंबर 2020 में 2.111 अरब पाउंड स्टॉक बचा था। विश्लेषकों ने सोया तेल का 2.490 से लेकर 2.630 अरब पाउंड स्टॉक बचने का अनुमान व्यक्त किया था। इसका औसत 2.550 अरब पाउंड है। वहीं नेशनल ऑयलसीड प्रोसेसर्स एसोसिएशन नोपा ने कहा है कि दिसंबर 2021 में उसके सदस्यों द्वारा रिकॉर्ड 18.64 करोड़ बुशल सोयाबीन की पेराई की गई है। इससे एक महीने पूर्व यानी नवंबर 2021 में इसकी 17.94 करोड़ बुशल पेराई हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादों के निर्यातक अर्जेंटीना में उत्पादन अनुमान में गिरावट के कारण और खाद्य पदार्थों और ईंधन के लिए वनस्पति तेलों की बढ़ती मांग और अमेरिकी सोयाबीन मील और सोयाबीन तेल के बढ़ते निर्यात की बढ़ती संभावना के साथ तंग सोयाबीन आपूर्ति के कारण अमेरिका में सोयाबीन की पेराई बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।